हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम एक सिद्ध संत की कथा सुनेंगे जिन्होंने साधारण रूप से भगवान को भजा और उनको पाया भी। श्री रामानंद संप्रदाय के संतों का पंजाब में एक स्थान है, श्री पिंडौरी धाम। वहाँ की परंपरा में एक संत हुए हैं, श्री नारायण दास जी महाराज। भजन, जप, साधना आदि के बल से श्री नारायण दास जी दीन दुखी पीड़ित व्यक्तियों को जो भी कहते वह सत्य हो जाता। धीरे धीरे उनके पास आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। यद्यपि नारायण दास जी किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, परंतु भगवान के नाम जप के प्रभाव से जो भी उनके पास आता उसका दुख दूर हो जाता। जब भीड़ बढ़ने लगी तब उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, अधिक भीड़ होने लगी है, यह सब साधु के लिए अच्छा नहीं। इन चमत्कारों से भजन साधना में बाधा उत्पन्न होती है। अब तुम पूर्ण अंतर्मुखी हो जाओ, मौन हो जाओ और एकांत में भजन करो। किसी से ना कुछ बोलना, ना कुछ सुनना, ना कोई इशारा करना, केवल राम नाम का मानसिक जप करो। इनका नाम भगवान नारायण दास जी प्रसिद्ध हुआ। नारायण दास जी तत्काल जड़वत हो गए और अंतर्मुख होकर साधना करने लगे। किसी से कुछ भिक्षा भी नहीं मांगते, जो किसी ने दे दिया वह प्रसाद समझकर पा लेते। एक दिन नारायण दास जी बैठकर साधना कर रहे थे, वहीं से जहांगीर बादशाह अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। उसने सैनिकों से पूछा कि इस हिंदू फकीर को रास्ते से हटाओ। सैनिकों ने नारायण दास जी से हटने का कहा, परंतु वे कुछ ना बोले और ना वहाँ से हिले। बादशाह ने कहा, लगता है यह कोई जासूस है, इसको गिरफ्तार करके साथ ले चलो। बादशाह उनको अपने साथ लाहौर ले आया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और उनसे बहुत पूछा गया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके लिए काम करते हो, वहाँ क्यों बैठे थे। बहुत देर तक पूछने पर भी वे कुछ न बोले। बादशाह को बहुत क्रोध आया और उसने वैद्य को बुलाकर कहा, भयंकर तीक्ष्ण हलाहल विष यानी जहर पिलाकर इसको मार दो। वैद्य ने एक प्याले में जहर भरकर उनको पिला दिया, पर उनको कुछ नहीं हुआ। बादशाह ने कहा, और पिलाओ। वैद्य ने दूसरा प्याला जहर पिलाया, परंतु नारायण दास जी जैसे थे वैसे ही रहे। ऐसा करते करते बादशाह ने उनको चार विष के प्याले पिला दिए, परंतु फिर भी फकीर को कुछ ना हुआ। फिर बादशाह ने एक और प्याला मंगवाया, उसे भी पिला दिया उनको, फिर भी वह कुछ ना हुआ उनको। बादशाह ने कहा, बहुत देर तक इंतजार करने पर भी नारायण दास जी नहीं मरे। बादशाह ने कहा, एक और प्याला लाओ, परंतु नारायण दास जी सोचने लगे कि पेट तो भर गया और छठा प्याला पीने का मन नहीं है। इतने में ही उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी, जो सिद्ध संत थे, जी प्रकट हुए। वे केवल श्री नारायण दास जी को दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, बेटा नारायण, श्री राम नाम के अमृत का क्या महत्व है ये संसार को दिखाने के लिए, यह छठा प्याला भी पी जाओ। नारायण दास जी गुरुदेव की आज्ञा मानकर छठा प्याला विष का वो भी पी गए। अब बादशाह का माथा ठनका और उसने कहा, यह वैद्य हिंदू है, इस कारण से इसने कोई चालाकी की है, इसने विष की जगह साधु को कोई मीठा शरबत पिलाया है। बादशाह ने वैद्य से कहा कि मैंने तुम्हें जहर पिलाने का हुक्म दिया, अथवा शरबत नहीं। वैद्य ने कहा, हुजूर, यह शरबत नहीं है, यह तो भयंकर विष है। बादशाह ने कहा, कैसा जहर? 6 प्याले पिलाने पर भी यह मरा नहीं, हमें संदेह है कि यह जहर नकली है। वैद्य ने कहा, हुजूर, आप किसी पर प्रयोग करके देख लो। सामने जहांगीर बादशाह का हाथी था,
उसकी सूंड पर एक बूंद जहर छिड़का गया तो वह तत्काल ही मर गया। बादशाह कांप गया, उसकी समझ में आ गया कि यह कोई सिद्ध फकीर है। बादशाह ने उनको छोड़ दिया और वे विचरण करते करते पुनः पिंडोरी धाम आ गए। गुरुजी ने प्रकट होकर उनको हृदय से लगाया और कहा कि तुमने श्री राम नाम की महिमा को तुमने प्रत्यक्ष करके दिखाया है, अब मेरी इच्छा है कि तुम आसन ग्रहण करो यानी महंत बनो और सबका हित करो। नारायण दास जी ने कहा कि हमारे बड़े भाई श्री महेश दास जी को आसन पर बिठाओ और मैं उनकी सेवा करूंगा। महेश दास जी ने कहा कि गुरु जी की वाणी जिसके लिए निकल गई वही आसन पर विराजेंगे। नारायण दास जी यह सुनकर रोने लगे और कहने लगे, ना मैंने जप किया ना तप किया, भगवान के नाम का जप भी नहीं किया और महंती गले पड़ गई। पूर्व के किसी पाप का यह परिणाम होगा जिस वजह से मुझे महंती मिल गई। बाबा महेश दास जी ने कहा कि आप पूर्व में जैसे भजन साधन करते थे वैसे ही करते रहें, आपके भजन में बाधा नहीं आने दूंगा। संपूर्ण सेवा का भार मैं उठाऊंगा, आपके पास किसी को जाने नहीं दूंगा, सब समाधान मैं करूंगा। गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, महेश दास जी का दर्शन करने के बाद ही लोग तुम्हारा दर्शन करने अंदर आएंगे। ऐसा कहकर गुरु जी अंतर ध्यान हो गए। नारायण दास जी पूर्वत भजन साधन में लग गए। उधर जहांगीर के मन में रोज आता था कि पता नहीं कैसा विचित्र हिंदू फकीर था जो इतने तीक्ष्ण जहर के 6 प्याले पचा गया। उसने बहुत शोध किया और अंत में यही सोचा कि कुछ लोग नशा बहुत करते हैं और इस कारण उनका शरीर जहरी हो जाता है, अर्थात जहर पचाने लायक हो जाता है। कुछ समय बीतने पर एक बार बादशाह जहांगीर पुनः पिंडोरी आया। उसने बाबा महेश दास जी को देखकर पूछा, बाबा कुछ अमल करते हो यानी कोई नशा करते हो? बाबा ने कहा, हाँ अमल करते हैं। बादशाह बोला, कौन सा अमल करते हो? बाबा बोले, श्री राम नाम का अमल करते हैं। बादशाह को बात समझ में आई नहीं, उसने सोचा किसी तरह का नशा होगा। उसने कहा, बाबा आज का अमल पूरा हो गया क्या? बाबा समझ गए कि बादशाह चमत्कार देखना चाहता है। वहाँ बाहर एक कुतिया रहती थी, बाबा जो प्रसाद लेते उसे मैं थोड़ा बचा कर उसको खाने के लिए दे देते। वह कुतिया केवल बाबा का प्रसाद ही पाती थी, बाकी किसी भी बढ़िया चीज़ को देखती तक नहीं थी। बाबा बोले, हमारे अमल का तो पूछो मत, परंतु सामने यह कुतिया बैठी है, इसका अमल पूरा नहीं हुआ। बादशाह बोला, क्या अमल करेगी, अफीम खाएगी क्या? उस जमाने में सैनिकों को अफीम खिलाया जाता था, तो साथ में अफीम की पेटी भी थी। बाबा महेश दास बोले, हाँ हाँ अफीम का अमल करेगी। बादशाह ने कहा, वजीर संदूक से अफीम निकाल कर इसको पेट भर के अफीम खिलाओ। बाबा ने कहा, खा जाओ अफीम को। कुतिया देखते देखते 50 किलो अफीम खा गई। बादशाह ने कहा कि स्वयं यह कुतिया का वजन 20 किलो नहीं है, वह कहाँ गई 50 किलो अफीम? इतना अफीम गया कहाँ? उसने पूछा, बाबा क्या इसका अमल अभी पूरा नहीं हुआ? बाबा बोले, जब पूँछ हिला रही है तब तक समझना चाहिए कि अमल पूरा नहीं हुआ है। बादशाह बोला, और कितना खाएगी? बाबा बोले, तुझे खा जाएगी, तेरी बादशाहियत को खा जाएगी, ये सिद्धों की कुतिया है। बादशाह ने अपना ताज उतार कर बाबा के चरणों में रख दिया और बोला, बाबा आपकी फकीरी के आगे मेरी बादशाहियत धूल है। बादशाह बोला, बाबा हमें कुछ सेवा दीजिए। बाबा बोले, हम एक लंगोटी के बाबा जी हैं, हमारी क्या सेवा करोगे, इस कुतिया की सेवा करो। बादशाह बोला, कुतिया जितना घूम जाएगी उतनी जमीन संत और गौ सेवा के लिए दे दी जाएगी। वह कुतिया 80,000 एकड़ में दौड़ी।
वह सारी ज़मीन कुतिया को दे दी गई। जय श्री राम भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।